नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। तो हम आइए कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, बी सी डी इज व्हाट, इसका फुल फॉर्म बताना है। ओके, बी सी डी का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी बताइए। आपके पास चार ऑप्शंस हैं और अभी 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आ चुका है, से आप लोगों से कोई ये कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। तो हम देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, ASCII स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये चार ऑप्शन आपके पास, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो EDSSC, इडसेक शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। विच चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, ऑप्शन बी। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो वैक्यूम एंड ट्यूब्स वाल्व से बना हुआ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56, फोरट्रान, फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या है, फोरट्रान को और क्या बोलते हैं। आपके साथ ऑप्शन से ये सब, जिसे कहते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई प्रॉम स्टैंड्स फॉर व्हाट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा ई प्रॉम का, जल्दी बताइए। ई प्रॉम का फुल फॉर्म, ई प्रॉम का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम। मुझे कमेंट बॉक्स में रैम का फुल फॉर्म बताइएगा, RAM। ओके, फिफ्टी एट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग, कब हुआ था। ये ऑप्शन है आपके पास ABCD, ये हुआ था 1959 से 1965, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्यूटर साइज वाज, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर इज स्विच डिवाइस आर विच जनरेशन कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर जो है ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड, कौन सा जो डिवाइस है डायरेक्टली इमेज प्रिंट हो जाता है जिससे, तो वो है OCR। OMR से, OMR शीट में जो हम लोग का एग्ज़ाम होगा, ओके, उसे OMR शीट कहते हैं। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट पर स्क्वायर इंच, इंचज में होता है डॉट पर स्क्वायर इंच। ओके, 63 क्वेश्चन देखते हैं, इन एनालॉग कंप्यूटर इसमें क्या होता है, इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्ट टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्ले इन डिजिटल फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ये एनालॉग कंप्यूटर का खासियत है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर
the instructions are executed. तो इसमें क्या है, पैरेलल भी होता है सिक्वेंशियली भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC। तो ये कंप्यूटर डिज़ाइन किए थे प्रॉस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम सी। डेनिस एम रुची इज योर राइट आंसर, वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे। पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम है ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू व्हाट, रेफर्स टू व्हाट, रेफर्स टू ऑप्शन सी पीपल वेयर। तो मुझे बताइएगा इसमें इतना में से कितना आया आपका। वन डेड आर्च राइवल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इंक डिसाइड टू जॉइन हैंड्स। एप्पल कंपनी और IBM का दोनों मिलके कब से काम करना चालू किए थे, तो ये है 1991 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज होमोसेपियन विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस। क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंप्यूटर। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जर्गन फॉर इट। ग्लिच, अचानक कुछ चलते चलते कंप्यूटर में एरर आ जाता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में, तो उसे ग्लिच कहते हैं, टेक्निकल ग्लिच। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफेलिएबल, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन। चलिए बताइए सही तरीके होगा। डिस्प्ले फीचर जो होता है हाईलाइट होता है जिसे रिवर्स वीडियो कहते हैं स्क्रीन पे। पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। इन मोस्ट IBM PCs द CPU द डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी एक्सपांशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स माउंटेड सिंगल बोर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड। इस सारे कंपोनेंट जो IBM PCs CPU सब किस बोर्ड में लगते हैं, तो ये लगते हैं मदरबोर्ड में, CPU के अंदर में रहते हैं। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, इसमें डेडिकेटेड कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी बताइए। इसमें से डेडिकेटेड कंप्यूटर होगा विच इज़ यूज टू वन पर्सन ओनली। द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेंट्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसी तो कंप्यूटर में होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, डिस्क कंट्रोलर भी होता है, सीरियल इंटरफेस भी होता है, मॉडम नहीं होता है, मॉडम बाहर चलने लगाते हैं नेट कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इन टू मशीन इन लैंग्वेज, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंपाइलर। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ट्रांसलेट जो करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं, और जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट, उसे कंपाइलर कहते हैं। समझ गए, याद रखिएगा इसको। ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट ए, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है सेंसर, सेंसर रहता है, तो ये इंटेलिजेंटली डिवाइस को इंटेलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज, नोन एज वॉट, इज नोन एज बग। ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू वायरस विच वॉज टेकन फ्रॉम ए 1970s साइंस फिक्शन नॉवल बाय जॉन ब्रनर एंटाइटल्ड दिस शॉक वेव राइडर इज वॉर्म, इसे वॉर्म कहते हैं। ए स्टेट इज ए बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप लॉजिक गेट्स लेटन, इसका सही उत्तर होगा फ्लिप फ्लॉप। स्टेट बाय स्टेबल, अनवांटेड रेपिटेशन मैसेज सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नॉन एज, इट इज नॉन एज स्पैम। देखिए कभी कभी कुछ ईमेल नहीं आता, स्पैम में आता है। डोज स्टैंड्स फॉर डोज, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बताइएगा मुझे कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है सारे कमेंट बॉक्स में। हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ हैं वो है बिल गेट्स, रईस आदमी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या है इसमें से, ये सारे इनपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड कंप्यूटर ये सब, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस डिवाइसेस आर ऑल ऑफ द अबव, प्रिंटर स्क्रीन स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। IBM स्टैंड्स फॉर वॉट, IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डेस्क ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, ट्रांसलेट फिर से बोले थे, ये कंपाइलर हो जाएगा। सॉरी ये इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर हो जाएगा, ट्रांसलेट होता है वो इंटरप्रेटर करता है, और जो कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं कंपाइलर, वो कंपाइलर से होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट था ये। इज एन उप प्रिंसिपल, ये क्या है, उप, उप इज ए इनहेरिटेंस। कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन, इज फॉर कमर्शियल यूज। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताइए, रैम स्टैंड्स फॉर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और 1 byte इजकल टू वाट, 1 byte इजकल टू 8 bits। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए, स्विचिंग होता है SMPS से, पावर सप्लाई होता है। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज वॉट,
कॉल्ड मॉडम, मॉडम से नेट कनेक्ट होता है। वीडियो इज कॉल्ड स्क्रीन मॉनिटर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू एज कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन ए प्रोग्राम्स। एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्पररली होल्ड्स डेट वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज मेमोरी। डैश इज द की टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन। फर्स्ट कैंसल ए कमांड एंड कॉल क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैप। डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। कमांड को सेलेक्ट करने के लिए एंटर दबाते हैं। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स जो शॉर्टकट की है F12 फंक्शन 12 क्वेश्चन। डेट बिकम्स डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्लैंक्स बन रहा था, इंग्लिश थोड़ा चेक कर रहा था। डेट बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।